नेक्स्ट चैप्टर आपका मोनोटोनसिटी। मोनोटोन सिटी क्या होता है आपका? बिहेवियर फॉर फंक्शन बताता है आपका कौन सा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ फंक्शन। ठीक है। अच्छा आपको पता है फंक्शन इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, बेसिक आइडिया है? सर हाँ यस सर, इफ द इफ एक्स 1 इज लेस देन x2 देन f1 x इज लेस देन x2 ठीक है x। ठीक है, समझ गया। ग्राफ से कैसे करोगे? देखो कोई भी फंक्शन, ऐसा कोई फंक्शन है, ये आपका क्या है, फंक्शन आपका, इधर मैं बात करूँ एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स इंक्रीज कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या है, वाई इंक्रीज कर रहा है, तो उस टाइप का जो फंक्शन है उसको मैं क्या बोलूँगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हमेशा आपका इंक्रीज करेगा। सिमिलरली ऐसा होगा, एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे और वाई की वैल्यू करस्पोंडिंग कम हो रही है, तो ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलूँगा आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब आपका क्या, कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा या कंटिन्यूसली आपका क्या डिक्रीज करेगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो या पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। एक चीज़ और होती है इंक्रीजिंग, और जैसे मान लो कोई फंक्शन ऐसा दे दिया, यहाँ पे आपका क्या इंक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद आपका क्या कॉन्स्टेंट है, फिर उसके बाद आपका इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे आपका इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे आपका क्या कॉन्स्टेंट रह रहा है, और यहाँ पे आपका क्या इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलूँगा आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलूँगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में दोनों में क्या डिफरेंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब हर वैल्यू के लिए इंक्रीज करेगा, लेकिन इंक्रीजिंग का मतलब होगा क्या, वैल्यू इंक्रीज करेगी, इंक्रीज भी कर सकती है, कॉन्स्टेंट भी हो सकती है, मतलब या फिर इनडायरेक्टली मैं बोलूँ नॉट डिक्रीज, डिक्रीज ना करे। सिमिलरली एक ऐसा फंक्शन ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसे मान लो कुछ ऐसा है, तो इस इंटरवल में आपका क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है और इस इंटरवल में आपका क्या डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, नाइदर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग को मैं इस तरीके से एरो अप से इंक्रीजिंग दिखाऊंगा, नॉर एरो डाउन से मैं दिखाऊंगा डिक्रीजिंग, ऐसे फंक्शन आपके क्या, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये बेसिक बेसिक आइडिया हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ग्राफिकल बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, अब थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली कैसे बोल सकता हूँ, आपका स्टेटमेंट लिख लो पहला, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के बजाय मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता हूँ, पहले सेट टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ इन एन इंटरवल बोल देता हूँ, इन एन इंटरवल आई वन, कोई भी एक इंटरवल डिफाइन कर दिया मैंने आई वन, उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा, इफ एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू इंटरवल, इफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन, दिस इंप्लाइज एफ एक्स टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एक्स वन एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन, मतलब एक्स टू कोई भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आगे बढ़ते हैं राइट हैंड साइड में, तो वहाँ पे एफ एक्स टू मतलब वाई की वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू, दोनों पे वाई की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ने पे कंटिन्यूअसली वाई की वैल्यू बढ़ रही है, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट में बोलूंगा, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन, इन एन इंटरवल आई, इफ सेम डेफिनेशन ऐसे हो गए, इफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन, दिस इंप्लाइज एफ एक्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एक्स वन, इसका मतलब आपका क्या, ग्रेटर देन तो होगा ही होगा लेकिन इक्वल्स टू भी हो सकता है, तो उस केस में आपका क्या है, इंक्रीजिंग। दोनों डेफिनेशन क्लियर है, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला।
यस सर ठीक है. सिमिलरली डिक्रीजिंग का भी ऐसा ही होगा. सेम डेफिनेशन बोलूंगा, ए फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन इन एन इंटरवल इफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन. दिस इंप्लाइज एफ एक्स टू इज लेस देन एफ एक्स वन एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का उल्टा मतलब आपका क्या है, एक्स टू एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू क्या है कंटिन्यूसली आपका क्या कम होगा. तो ऐसा मैं फंक्शन को क्या बोलूंगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. सिमिलरली डिक्रीजिंग में आपका क्या है, लेस देन इक्वल टू हो गया. आई होप ये चारों की पॉइंट क्लियर हो गया आपके. क्लियर है चौथा पॉइंट भी बना लोगे डिक्रीजिंग का. अच्छा आप मुझे एक एक डाउट है, एक बात बताओ, क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन को कंटिन्यूस और डिफरेंटेबल होना चाहिए या फिर डिसकंटिन्यूस नॉन डिफरेंटेबल फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है? हो सकता है सर, मतलब नॉन डिसकंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंटेबल दोनों हो सकता है, मतलब ऐसा बोल रहे हो? यस सर. ठीक है देखो यहाँ पे ध्यान रखना, इन अबाउ ऑल फोर केसेस फंक्शन नीड नॉट टू बी कंटिन्यूस और डिफरेंटेबल. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कंटिन्यूस और डिफरेंटेबल हो. कैसे, एग्जांपल से मैं बोलूं, जैसे कोई पॉइंट है यहाँ पे, अभी यहाँ पे है और इस टाइप से देखो ऐसा कोई पॉइंट दे रखा है. अब देखो कंटिन्यूसली एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली बढ़ रही है हर जगह पे. अब देखो इस पॉइंट पे आपका क्या डिसकंटिन्यूस भी है और नॉन डिफरेंटेबल भी है, फिर भी आपका क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह बिहेव करेगा, या आपका क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह बिहेव करेगा. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसको कंटिन्यूस एंड आपका डिफरेंटेबल होना जरूरी है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपका क्या उसका नेचर आपका क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसको आप एथिकली ऐसा देख सकते हो कि मान लो कोई पॉइंट ये है आपका x इज इक्वल टू एक्स वन पॉइंट पे, तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है उसके लेफ्ट नेबरहुड से भी वैल्यू आपकी क्या बड़ी है और राइट नेबरहुड से वैल्यू आपकी क्या छोटी है, तो उस केस में फंक्शन क्या होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. लेकिन यदि ऐसा कुछ दिया होगा किसी पॉइंट पे या आपका क्या x इज इक्वल टू एक्स वन के वो पॉइंट पे, उस फंक्शन की वैल्यू राइट नेबरहुड से आपका क्या छोटी और लेफ्ट नेबरहुड से आपका क्या होगा आपकी राइट लेफ्ट नेबरहुड से छोटी और राइट नेबरहुड से आपका क्या बड़ी वैल्यू होगी, तो ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलूंगा. क्लियर हुआ ये समझ में आया पॉइंट? यस सर. ठीक है अब क्वेश्चंस कैसे करना है, ये तो थ्योरी होगी कॉन्सेप्ट्स हो गए. अब क्वेश्चन में क्या होगा आपका कंटिन्यूस और डिफरेंटेबल फंक्शन दे रखा है तो उसमें एफ डैश एक्स से ही डिसाइड करेंगे. तो फॉर क्वेश्चंस के लिए क्या कर देता आपका नोट में लिखो पॉइंट नंबर 5, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंटेबल इन हैंग कैसे हो गया एक्सेप्ट in an interval differentiable, then it will be strictly increasing in an interval if f dash x is greater than 0 for all x belongs to given interval. यदि उस given interval के लिए f dash x की value आपकी greater than 0 आ रही है तो उस given interval में function क्या होगा आपका strictly increase होगा. और यदि मैं बोलूंगा आपका function f x is called increasing इन गिवन इंटरवल, बताओ इस केस में क्या होगा इफ एफ डैश एक्स क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर. ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो क्यों, इक्वल्स टू जीरो क्यों मतलब आपका क्या इंक्रीज करेगा
यहाँ पे कांस्टेंट, जहाँ पे कांस्टेंट होगा एफ डैश इक्वल्स टू जीरो होगा। आई होप दोनों पॉइंट क्लियर होंगे होंगे आपको। पॉइंट क्लियर हुए दोनों? यस सर। सिमिलरली थर्ड पॉइंट मैं बोलूंगा ए डिफरेंटिबल फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। इस इंटरवल में यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो उसको मैं क्या बोलूंगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा आपका डिक्रीजिंग। तो मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब आपका वो इंटरवल जहां पे इंक्रीज कर रहा है मतलब उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो मतलब इंटरवल फंक्शन आपका क्या है डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ध्यान देने की बात है। मैंने क्या बोला था एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो तो उस केस में आपका इंक्रीजिंग होगा, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है। यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा तो उस केस में भी फंक्शन आपका क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह बिहेव कर सकता है। कब बिहेव कर सकता है? जब आपका क्या है जो वो आपका क्या है जो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो वाला जो पॉइंट है ना वो आप किसी एक इंटरवल के बजाय किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के स्पेसिफिक के लिए हो। तो मैं ऐसा कैसे बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई फंक्शन ऐसा दे दिया यहाँ पे आपका क्या एक्स इज एक्स क्यूब है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मान ले एक्स क्यूब मैंने बात किया, तो अब देखो यहाँ पे इस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आपकी एफ डैश एक्स निकालूंगा इसका एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी थ्री एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे मेरे को पता है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो तो इस केस में भी पता है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इसमें भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसमें भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो दोनों इंटरवल में, लेकिन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे मैं बोलूंगा एफ डैश एक्स उसकी वैल्यू क्या जाएगी जीरो, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो एज पर बेसिक रूल ये फंक्शन आपका क्या इंक्रीजिंग होना चाहिए था, लेकिन उस केस में भी फंक्शन आपका क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। Strictly increasing क्यों है? क्योंकि ये जो f dash x is equals to zero हो ये हो जो है वो hold for a point specific। Not for a interval। An interval। समझ में आया रूल? यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो तो उस केस में भी फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह बिहेव कर सकता है। कब? जब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो होल्ड फॉर ए पॉइंट स्पेसिफिक, या फिर बहुत सारे पॉइंट हो किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए वो ना हो, सिर्फ कुछ पॉइंट हो, दो पॉइंट हो, तीन पॉइंट हो, पांच पॉइंट हो, कुछ स्पेसिफिकली पॉइंट के लिए हो, एक कंटिन्यूसली इंटरवल के लिए ना हो ना, तो भी उस केस में आपका क्या वो बिहेव कर सकता है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह बिहेव कर सकता है। रूल समझ में आया? ठीक है, मैं थ्योरेटिकली इसे यूज कैसे करेंगे? यूज देखो जैसे कोई फंक्शन आपका ऐसा आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, आगे मैं बताऊंगा इसको रूल इसकी हेल्प से, तो मतलब ये पहले रिजल्ट लिखवा देता हूँ, लिख लेना नोट। लेट एफ एक्स इज डिफरेंटिबल फंक्शन देन इट विल सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एन इंटरवेल I, if f dash x is greater than equals to zero for all x belongs to integer and f dash x is equals to zero hold for
ए पॉइंट और पॉइंट स्पेसिफिक्स, नॉट फॉर ए कंटिन्यूअस इंटरवल। तो उस केस में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आगे से जब भी मेरे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन लगानी पड़ेगी तो मैं बेटर है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की कंडीशन लगाऊंगा और चेक करूंगा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट के लिए आ रहा है इंटरवल के लिए। इंटरवल के लिए आ रहा है तो मतलब वो इक्वल टू वाला केस हटा दूंगा, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट के लिए आ रहा है तो उसमें जो आपका क्या इंटरवल वाला जो पॉइंट जहाँ पे एफ डैश इक्वल टू जीरो वाला है वो पॉइंट भी मैं इंक्लूड करूंगा। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे होता है? जैसे मैंने कोई बोला एग्जांपल ऐसे दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, तो इसका मैं क्या करूँ एफ डैश एक्स निकालूंगा। एफ डैश एक्स निकालने के लिए क्या आपका वन माइनस वन प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है कि कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में होती है। जब कॉस एक्स की वैल्यू माइनस वन से लेके वन के बीच में होगी तो मतलब यहाँ पे आपका क्या वन से छोटा रहेगा, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी ग्रेटर देन जीरो। बट जब कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस वन होगी, तो उस केस में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी वन माइनस वन, मतलब आपका क्या होगा जीरो। अब कॉस एक्स तो माइनस वन बहुत सारी जगह पे होता है, ये कब होता है मतलब एक्स इज इक्वल टू पाई पे भी होता है, थ्री पाई पे भी होता है, फाइव पाई पे भी होता है, एंड सो ऑन ओड मल्टीपल ऑफ पाई पे होता है। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रही है, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग तो ये फंक्शन आपका क्या इंक्रीजिंग ओनली होना चाहिए, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन ये जो फंक्शन है ये आपका फंक्शन होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो होल्ड कहाँ तक कर रहे हैं फोर पॉइंट्स, सम पॉइंट स्पेसिफिक के लिए होल्ड कर रहा है। देखो एक पॉइंट के लिए हो रहा है, फिर उसके बाद आपका क्या आगे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखो मान लो इस पॉइंट के लिए एफ डैश इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो देखो ये जो पॉइंट है जीरो है तो यहाँ से इससे लेफ्ट नेबरहुड से बड़ा होगा और राइट नेबरहुड से आपका क्या छोटा होगा, तो मतलब जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है ना, तो उस वजह से आपका क्या है ये जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरफ बिहेव करेगा। लेकिन मान लो कुछ ऐसा सा दे रखा है कंटिन्यूसली इंटरवल, तो ये जो पॉइंट है अब देखो लेफ्ट नेबरहुड से आपका क्या इक्वल और राइट नेबरहुड से भी इक्वल, तो मतलब लेफ्ट नेबरहुड से बड़ा नहीं है राइट नेबरहुड से छोटा नहीं है, मतलब ये फंक्शन आपका एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। दोनों में डिफरेंस समझ में है आपको? यस सर। ठीक है, अब बेसिकली रफली एक ग्राफ बता देता हूं x + sin x का ग्राफ कैसे बनेगा। x + sin x का एक रफली ग्राफ बता देता हूं कैसा ग्राफ बनेगा। तो y = x एक ऐसी लाइन है और y = sin x आपका क्या इंक्रीज करता है, यही से स्टार्ट होगा। तो साइन एक्स मान लो आपका क्या जीरो भी आता है वन भी आता है, जब साइन एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी जब जीरो होगी तो ये आपका क्या होगा एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपकी एक्स के इक्वल हो जाएगी। तो मतलब ऐसे केस में वाई जिकस टू एक्स का रफली ग्राफ बना लो और साइन एक्स का ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा, मतलब ये आपका आपका जब पाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई पे, अगेन टू पाई, पाई से टू पाई पे साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव, तो उस केस में एक्स माइनस नेगेटिव मतलब एक्स से कम होगी, अगेन टू पाई पे आपका क्या है जीरो। तो ये कुछ ऐसा रफली ग्राफ बनेगा, रफली ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, यहाँ पे ये जो ग्राफ है कंटिन्यूसली आपका ऐसा इंक्रीज करता जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, ये जो ग्राफ यहाँ पे एंड यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या छोटा होगा, ये छोटा होगा, तो ये रफली आपका क्या है x प्लस साइड x का ग्राफ समझ में आया, कंटिन्यूसली हमेशा इंक्रीज करेगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह बिहेव करेगा, क्यों एफ डैश एक्स का जो जीरो यहाँ पे आ रहा है लेकिन एक पॉइंट के लिए आ रहा है, उसके बाद वापस से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हुआ होगा क्या चीज़ है। यस सर। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो थ्योरी थी बस यही थी बेसिकली, बस इसको समरी कर लेते हैं। समरी के लिए आपका क्या है, आपका मैंने क्या बोला था फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा जब x1 ग्रेटर x2 ग्रेटर देन x1 है, इस केस में एफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एफ एक्स वन हुआ एंड वाइस वर्सा हुआ, तो इस केस में आपका क्या फंक्शन आपका क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। लेकिन ऐसा होगा x2 इज लेस ग्रेटर देन x1, इस केस में एफ एक्स टू is less than fx1 and vice versa, vice versa का मतलब आपका उल्टा हो गया, तो इस केस में फंक्शन क्या होगा आपका स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर हो गया ये रूल? यस सर। ठीक है, अब दो चीजें आती है यहाँ पे, आई ओ आई और एक आई ओ डी। आई ओ आई क्या होता है आपका? इंटरवल ऑफ इंक्रीज। और आईओडी होता है इंटरवल ऑफ डिक्रीज। नाम से ही क्लियर है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज का मतलब आपका क्या है, वो इंटरवल जहां पे फंक्शन आपका क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इंटरवल इन विच फंक्शन इंक्रीजेस। और इसका मतलब आपका क्या है, इंटरवल इन विच फंक्शन डिक्रीजेस, मतलब वो इंटरवल जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करता है वो इंटरवल ऑफ इंक्रीज होता है, वो फंक्शन जहाँ पे इंटरवल डिक्रीज करता है, फंक्शन डिक्रीज करता है वो इंटरवल ऑफ डिक्रीज होता है। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन यही होगा आपका, फाइंड आई ओ आई और आई ओ डी। तो अब क्वेश्चन करो फटाफट से। क्वेश्चन है आपका, फाइंड आई ओ आई एंड आई ओ डी फॉर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपका दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एल एन एक्स। For increasing x is greater than 1 by root 2 and x is ये तो basic है, तो हो गया होगा। क्या करूंगा, f dash x निकालूंगा, f dash x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2x माइनस ln x का क्या आपका 1 upon x। तो मैं क्या करूँ फॉर आई ओ आई, तो मैं क्या कर देता हूँ आपका f dash x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0। मैं क्या कर देता हूँ आपका साइन ऑफ f dash x देखूंगा। मैं काम करता हूँ साइन ऑफ एफ डेस एक्स देख लेता हूँ, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, एफ डेस एक्स को सिंप्लीफाई करूंगा तो एल सिम क्या एक्स, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, टू कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू अपॉन एक्स, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इनइक्वालिटी सोल्व करनी आती है, एक्स प्लस वन बाई रूट टू, एक्स माइनस वन बाई रूट टू और अपॉन x, that should be greater than 0 हो गया। तो अब यहाँ पे बता गलती कहाँ पे करते हैं, मैं बताऊंगा गलती कहाँ करेंगे बच्चे। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके तीन पॉइंट्स हो जाएंगे, आपके क्या होगा एक माइनस वन बाई रूट टू, एक जीरो और एक आपका क्या होगा वन बाई रूट टू। तो अब यहाँ पे आपका देखो साइन देखूंगा, तो साइन आपको पता है साइन कन्वेंशन, इधर आपका क्या होगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर आपका क्या है नेगेटिव। तो लोगों के अकॉर्डिंग आई ओ आई, आई ओ आई कौन सा होगा आपका, ये और ये रीजन, मतलब आपका बोलूंगा एक्स बिलोंग्स टू वन बाई रूट टू से लेके इन्फिनिटी यूनियन माइनस वन बाई रूट टू से लेके आपका क्या होगा जीरो। सिमिलरली आई ओ डी आएगा, लेकिन ये जो आंसर होगा गलत हो जाएगा। उसके पीछे क्या रीजन है, कोई बताएगा क्यों गलत हो गया ये आंसर? कोई बताएगा क्यों गलत हो ये आंसर? सिंपल सा देखो आपका क्या फंक्शन क्या दे रखा है आपका एल एन एक्स है, तो कोई भी इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज कहां पे डिफाइन होगा, ओनली डोमेन ऑफ फंक्शन में ही डिफाइन होगा। अब डोमेन ऑफ फंक्शन में देखो एल एन एक्स है, तो इसको डिफाइन होने के लिए एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो मतलब इसका जो फंक्शन है वो डिफाइन ही कहाँ पे आपका सिर्फ ग्रेटर देन जीरो पे डिफाइन है, तो मतलब आपके जो चेक पॉइंट है आपका जीरो,
इससे ग्रेटर देन जीरो पे रीजन पे देखूंगा तो आपका क्या होगा वन बाई रूट टू और ये आपका क्या है इन्फिनिटी. तो इधर आपका क्या होगा पॉजिटिव, इधर आपका क्या होगा नेगेटिव. तो ये जो इंटरवल है वन बाई रूट टू से लेके इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा आपका इंटरवल ऑफ इंक्रीज हो जाएगा. और जीरो ओपन से लेके और वन बाई रूट टू क्लोज, ये आपका क्या होगा इंटरवल ऑफ डिक्रीज हो जाएगा. आई होप क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट. यही आंसर था शुभांगी आपका, या कुछ गलती कर दी थी? सर सेम आंसर था, जीरो पे ओपन होगा या ध्यान रखना. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करो. क्वेश्चन है आपका सेम है वही, फाइंड आई ओ आई और आई ओ डी फॉर एफ एक्स दे दिया आपका 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 5. फटाफट से करो, विद इन 30 सेकंड में आंसर चाहिए मुझे. आ गया आंसर, कुछ नहीं करना था इसमें, इतना टाइम कहाँ लग रहा है. f(x) निकाल देता हूँ, क्या जाएगा आपका 6x² माइनस 18x प्लस 12. क्या किया आपका 6 कॉमन ले लिया, तो आपका x² माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर आ जाएंगे 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. चेक पॉइंट हो जाएंगे आपका 1 कॉमा आपका क्या होगा 2, इधर आपका क्या होगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर आपका पॉजिटिव. तो ये आपका क्या होगा आई ओ डी और ये दोनों आपका क्या होगा आई ओ आई. इसमें कहाँ टाइम लगा था, इतनी देर में आंसर क्यों नहीं आया शुभांगी आपका? सर 18 को 19 लिख दिया था गलती से, भगवान उठा ले रहे. ठीक है अब एक से ज्यादा फंक्शंस हो जाएंगे, क्वेश्चन कैसे बने एक से ज्यादा फंक्शंस में होंगे. जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपका सेम है, फाइंड आई ओ आई एंड आई ओ डी. फंक्शन दे दिया आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स. इसके लिए मुझे इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे फटाफट? क्या करूंगा एफ डैश एक्स निकालूंगा. एफ डैश एक्स का मतलब क्या जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट आपका 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएट आपका क्या है कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स. तो यहाँ पे मैं क्या करूँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो करूँगा. तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे साइन एक्स कॉमन ले लिया और आपका क्या है 2 कॉस एक्स माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. अब देखो यहाँ पे अब मैं इसमें
इनिक्वल दो आ गया, एक साइन आ गया, एक कोस आ गया। अब यहाँ पे मैं कैसे करूंगा, थोड़ा लॉजिकल है, यहाँ पे एक बार ध्यान से देखना। मान लो दोनों का पीरियड आपका क्या है, 2π होता है, तो 2π इंटरवल में देख लो, फिर उसके बाद जनरल सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो कब होता है, जीरो से लेके पाई में आपका क्या है पॉजिटिव, और पाई से लेके 2π में आपका क्या होगा, आपका नेगेटिव। और यहाँ पे क्या जाएगा आपका, ये पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1/2 होगा, उसके इसमें आपका क्या होगा पॉजिटिव, और कॉस एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी, लेस देन आपके क्या 1/2 होगा, उसके इसमें आपका नेगेटिव। अब कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 कब होती है, जल्दी बताओ। कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री, 30 या 60, 60 60, 5/3, और ये आपका क्या होगा 1/2 से छोटी आगे होगी। तो मैं क्या करता हूँ, 0 से लेकर 2π के बीच में एक बार देख लेता हूँ। तो 0 यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका बीच में होगा आपका पाई, फिर आपका क्या होगा 2π, ठीक है। कॉस एक्स का ग्राफ आपको पता है ऐसा ग्राफ बनता है, ये 0 से 2π हो गया, तो 1/2 यहाँ पे होगा, तो ये आपका क्या होगा 5/3 होगा, और दूसरा ये आपका क्या होगा 2π-π/3, मतलब 5π/3। तो एक आपका क्या जाएगा, आपका 5π/3 होगा, और एक आपका क्या होगा 5/3। अब ऐसे केस में डायरेक्टली नहीं निकाल सकते केस में, तो इस केस में क्या करो, तीनों अलग अलग देखो, पहले साइन ऑफ साइन एक्स, और ये आपका क्या है साइन ऑफ एफ डैश एक्स, देख लेता हूँ एफ डैश एक्स नीचे देख लूंगा, और नीचे साइन ऑफ 2 cos x - 1। अब देखो साइन एक्स इस इंटरवल में 0 से पाई बाई 3 में पॉजिटिव, पाई बाई 3 से पाई में आपका पॉजिटिव, पाई से 5π/3 में नेगेटिव, और -5π/3 से 2π में आपका नेगेटिव। सेकंड में देखो साइन ऑफ 2 cos x - 1, 0 से पाई बाई 3, देखो इसमें 2 cos x - 1 1/2 से बड़ी, तो इधर आपका क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे 1/2 से छोटी, मतलब ये आपका नेगेटिव। यहाँ तक पूरा पूरा 5π/3 तक 1/2 छोटी नेगेटिव, 5π/3 से 2π तक 1/2 से बड़ी, मतलब आपका क्या है पॉजिटिव। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। अब देखो यहाँ पे इस इंटरवल में पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या आपका पॉजिटिव, इस इंटरवल में पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, इस इंटरवल में क्या आ जाए आपका नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब आपका क्या होगा पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो क्लियरली बोल सकता हूँ ये जो होगा ये आपका इंटरवल ऑफ इंक्रीज हो जाएगा, और ये दोनों होगा ये आपका इंटरवल ऑफ डिक्रीज हो जाएगा। ये आपका क्या वैसे होगा जनरल में आपका 2nπ ऐड कर देना, वो आपका क्या हो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, कर लोगे तो बोल yes, सकता हूँ इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या हो जाएगा, बोल सकता हूँ 2nπ प्लस पाई बाई 3 से 2nπ से लेके 2nπ प्लस पाई बाई 3 यूनियन, और यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका 2n प्लस 2π या फिर 2n प्लस, इसको मैं इसके टर्म्स में ब्रेक कर सकता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, 2n प्लस 2π माइनस पाई बाई 3 से लेके 2n प्लस 2π, क्योंकि ये आगे बढ़ा है ना, समझ में आया क्या लॉजिकली लिखा है मैंने, चाहो तो आप इसकी टर्म्स में भी बोल सकते थे, आपका इसको भी बोल सकते हैं 2nπ प्लस 5π बाई 3 से लेके 2nπ प्लस 2π, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आंसर सेम ही है दोनों, देख लो सिमिलरली इंटरवल ऑफ डिक्रीज भी ऐसा लिख लोगे। क्लियर हो गया, अरे हाँ ना बोलो सर, 5 1 सेकेंड सर, ये 5 5π/3 हो गया ना, एलसीएम ले लो, देखो 6π-π/3 मतलब 5π/3 हो गया, एक ही बात है वो। अच्छा हाँ ठीक है, ओके सर। चलो कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करना, नहीं आए तो वही है, फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज फॉर फॉलोइंग। पहला दे दिया आपका fx = x + cos x, सेकेंड
fx इज इक्वल्स टू एक्स एल एन एक्स। थर्ड, इसमें डोमेन सारा रियल आएगा, इसमें एल एन एक्स आ गया तो डोमेन आपका x ग्रेटर देन जीरो आएगा। थर्ड क्या जाएगा, fx इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री की होल क्यूब। फोर्थ क्या जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। ये कर लोगे सारे सारे, इजी है। एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन आप कर लो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 21 अपॉन 21 माइनस एक्स की पावर 18 अपॉन 18 प्लस एक्स की पावर 13 अपॉन 13 माइनस एक्स की पावर 8 अपॉन 8 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1। इसके लिए इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड करो, फटाफट से फाइंड करो। आ गया आंसर, आंसर है कोई है या फिर भाग गए हो चालू छोड़ के? सर 20 डिग्री की टर्म आई है, एफ डैश। ठीक है, देखो क्या करते हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालता हूँ। तो एक्स की पावर 21 का डिफरेंशिएशन हो गया 21 एक्स की पावर 20 अपॉन 21, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, एक्स की पावर 20 माइनस 18 बाहर आ जाएगा तो एक्स की पावर 17 प्लस एक्स की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये फंक्शन हो जाएगा। अब इस फंक्शन के लिए मैं इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज निकालना, तो कैसे करोगे? कोई हिंट, कोई हिंट, इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालेंगे? अरे कोई तो दे दो। चलो नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं। आपको पता है कंपैरिजन में व्हेन एक्स ग्रेटर देन वन होता है तो एक्स की पावर 20 और एक्स की पावर 10 कौन बड़ा होगा? एक्स की पावर 20 बड़ा होगा। When x less than 1 और greater than 0, x की पावर 20 और x की पावर 10 में कौन बड़ा होगा? x की पावर 10 बड़ा होगा। ये रूल तो याद हो गए ना तुम लोगों? Yes, sir. तो ठीक है, तो उसको इंटरवल में ब्रेक करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, केस 1 क्या करूंगा, when x greater than 1 तो उस केस में f dash का साइन देखूंगा, f dash x का साइन। तो क्या जाएगा, x की पावर 20 x की पावर 17 इन दोनों को मैंने एक साथ लिया, x की पावर 12 माइनस x की पावर 7 इन दोनों को एक साथ लिया प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन दोनों को एक साथ लिया प्लस वन को एक साथ ले लिया. अब इन दोनों में देखो एक्स की पावर 20 एक्स की पावर 17 से बड़ा तो इसकी वैल्यू क्या रहेगा आपकी पॉजिटिव. एक्स की पावर 12 एक्स की पावर 7 से बड़ी तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव और वन पॉजिटिव. तो क्लियरली आपका एफ डस एक्स की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये क्या जाएगा आपका इंटरवल ऑफ इंक्रीज हो जाएगा. सिमिलरली दूसरा केस लूंगा केस टू व्हेन एक्स लेस देन जीरो. तो आपको पता है माइनस एक्स की पावर ओड उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी माइनस एक्स की पावर हो जाएगी और माइनस एक्स की पावर इवन ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर इवन होती है. ठीक है तो व्हेन एक्स लेस देन जीरो, तो एक्स लेस देन जीरो हो गया तो एफ डैस एक्स की वैल्यू यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका माइनस एक्स की जगह में माइनस वाई रिप्लेस कर देता हूँ. तो एक्स की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया माइनस वाई जिसे नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा. तो क्या जाएगा आपका वाई की पावर 20 और ये माइनस वाई की पावर 20 मतलब वाई की पावर 17 प्लस वाई की पावर 12 प्लस वाई की पावर 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन. ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव और वाई यहाँ पे में क्या होगा आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा. पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव. तो क्लियरली दिख रहा है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन जीरो. तो ये भी क्या होगा आपका इंटरवल ऑफ इंक्रीज. याद है क्लियर है दोनों चीजें. अरे देखो ना एक्स की जगह मैंने माइनस वाई किया एक्स नेगेटिव था तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो वाई वाली पॉजिटिव आई कि नहीं आई. नहीं समझ में सर बट वाई है तो नेगेटिव. नहीं नहीं एक्स नेगेटिव है तो एक्स की जगह मैंने माइनस वाई रिप्लेस किया है तो वाई की वैल्यू क्या आपकी पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी. यस सर. तो अब देखो वाई पॉजिटिव है तो वाई की सारी पावर पॉजिटिव है. प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी केस थ्री में प्रॉब्लम आएगी व्हेन क्या बोलो एक्स की वैल्यू जीरो से लेके वन के बीच में. तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू देखूंगा तो क्या आपका एक्स की पावर 20 माइनस एक्स की पावर 17 इन दोनों को मैं साथ में लूंगा. एक्स की पावर आपके क्या 12 माइनस एक्स की पावर 7 इन दोनों को साथ लूंगा. एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स इन दोनों को साथ में लूंगा प्लस वन. अब देखो क्लियरली यहाँ पे एक्स की पावर 17 एक्स की पावर 20 से बड़ा होगा तो मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव और इसकी वैल्यू नेगेटिव और ये प्लस वन. अब नेगेटिव वन से छोटी होगी. अब मुझे यहाँ पे डाउट रहेगा कि इसकी वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिव रहेगी. क्या मैं डिसाइड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को वैल्यू तो नहीं निकाल नहीं सकता हूँ. तो फिर बताओ कैसे करेंगे ऐसे केस में. कोई हिंट कोई बात नहीं ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में थोड़ा सा ग्रुपिंग अलग कर लो. x की पावर 20 माइनस x की पावर 17 प्लस x की पावर 12 माइनस x की पावर 7 प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. अब मैं क्या करता हूँ ग्रुप n बना लेता हूँ इन दोनों को ग्रुप बना लेता हूँ. ये आपका क्या होगा इन दोनों को ग्रुप बना लेता हूँ इन दोनों को ग्रुप बना लेता हूँ. अब देखो वन माइनस एक्स तो ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी पॉजिटिव. एक्स की पावर टू एक्स की पावर सेवन से बड़ी होगी तो ये भी वैल्यू भी आपकी क्या पॉजिटिव. एक्स की पावर ट्वेल्व एक्स की पावर 17 से बड़ी होती है ये वैल्यू भी पॉजिटिव और ये तो आपका क्या है पॉजिटिव है. तो क्लियरली यहाँ पे भी एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो. इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी लेके प्लस इनफिनिटी मतलब फंक्शन आपका क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. आया क्वेश्चन समझ में. काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया था सर. जब हमने केस टू लिया तो ये तो y का फंक्शन है ना जो पॉजिटिव. एक काम करो केस टू का ऐसा मत करो fx इज इक्वल्स टू f डैश x क्या आपका x की पावर 20 माइनस x की पावर 17 प्लस x की पावर 12 माइनस x की पावर 7 प्लस x की होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. अब यहाँ पे एक्स क्या है आपका नेगेटिव है तो एक्स की जगह मैं कोई भी नेगेटिव रख देता हूँ माइनस एक्स की पावर 20 माइनस माइनस एक्स की पावर 17 प्लस माइनस एक्स की पावर 12 माइनस माइनस एक्स की पावर 7 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स. तो अब इस केस में जो एक्स क्या रहेगा आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव ले रखा है. Got it, sir. तो अब देखो यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 20 आपका क्या होगा आपका एक्स की पावर 20
ये माइनस एक्स की पावर 17, माइनस माइनस आपका क्या, प्लस एक्स की पावर 17 प्लस एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब देखो सारी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। वन सेकंड की स्त्री नोट नहीं किया। अब दो टाइप के पॉइंट होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट होता है, एक स्टेशनरी पॉइंट होता है। नाम सुने दोनों, क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट? यस सर। क्या डिफरेंस होता है कोई बताएगा? सेम होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं या कुछ डिफरेंस होता है, याद है कुछ? क्रिटिकल पॉइंट्स आर आल्सो स्टेशनरी पॉइंट्स। अच्छा, और स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट्स तो डिफरेंशिएबल होते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स आल्सो। अरे तुक्केबाज, कितना तुक्के मारती है, नहीं बोल दे नहीं पता है। देखो स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे स्लोप ऑफ फंक्शन क्या होता है आपका, जीरो, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो जहाँ पे होती है वो पॉइंट आपके क्या, स्टेशनरी पॉइंट होते हैं। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे स्लोप ऑफ फंक्शन आपका क्या है, जीरो हो या फिर नॉट डिफाइन भी हो, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो भी हो सकती है और एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन वाले पॉइंट को भी मैं क्रिटिकल पॉइंट्स बोलता हूँ, दोनों चीज़ आती है। तो बस आपको ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। एक सेकेंड रुको, गेट में आया, मैं गेट खोल रहा हूँ, एक मिनट में आया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट्स, नाम से भी क्लियर है, स्टेशनरी मतलब एक जगह पे स्टेशन, मतलब बड़े बड़े वाले पॉइंट, तो मतलब पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट हो गया। और दूसरा आपका क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो और एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मतलब नॉन डिफरेंटेबल हो या फिर प्लस माइनस इन्फिनिटी हो, तो ऐसे सारे पॉइंट्स को भी मैं क्या बोलूँगा आपका, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलूँगा। क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस? क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब दो फंक्शन है, दो फंक्शन में मेरे को कंपैरिजन करना हो, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ऐसा है, टू प्रूव एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कोई इंटरवल दे दिया ए से लेके बी, तो इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स से ग्रेटर देन है उस इंटरवल में, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? चलो नहीं पता है, तो देखो इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इसको मैं शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो, यदि मिनिमम वैल्यू मैं बोल रहा हूँ आपका पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली क्या होगा आपका, एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो बस यही करना है। इसका यूज कहाँ पे होता है मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कोई फंक्शन ऐसा दे दिया, कि क्वेश्चन ऐसा दे दिया, इफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू देन प्रूव दैट, मान लो दो फंक्शन आपको दे देंगे, एक्स वन माइनस टेन इनवर्स एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स टू। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करूँ, यदि मैं इसको मैं बोल देता हूँ, ये आपका क्या होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन आपका क्या होगा, जी एक्स। तो ऐसे केस में मैंने एफ एक्स किसको माना है आपका, एक्स माइनस टेन इनवर्स
x को वेरिएबल है, ये एफ एक्स वन मैं बोल देता हूँ, इसको एफ एक्स टू ही बोल दो ज़्यादा बेटर रहेगा। एफ एक्स वन ये और एफ एक्स टू मैंने मान लिया आपका एक्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स टू। अब मुझे क्या करना है आपका, क्या दे रखा है आपका, एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू दे रखा है और मुझे एफ एक्स वन एफ एक्स टू में रिलेशन निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एफ एक्स को, ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स किस टाइप का हो गया आपका, एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब इसकी जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट या सबसे छोटी वैल्यू है, यदि मुझे पता है कि इसकी लीस्ट वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव रहेगी, तो उस केस में डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा आपका, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो ऐसे केस में मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू होगा। क्यों? क्योंकि एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू है, तो उससे मैं बोल सकता हूँ। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स को मैंने ये लेके चल लिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उसका एफ डेस एक्स निकाल देता हूँ लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए, तो मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ, एफ डेस एक्स निकालूंगा तो क्या आपका एक्स का क्या आपका वन, टेन इनवर्स का आपका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं एलसीएम लूंगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, कैंसिल कैंसिल, तो एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहे आपकी, पॉजिटिव रहेगी। तो क्लियरली दिख रहा है कि एफ डेस एक्स क्या है आपका, ग्रेटर देन जीरो, मतलब एफ डेस एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब मैं बोलूँ, यदि एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू है, इसका मतलब एफ एक्स वन डेफिनेटली ग्रेटर देन क्या होगा आपका, एफ एक्स टू, और ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। यस सर। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट रूल और है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया है आपका जेई में आया और पीजीडीपी में आने के चांसेस है। यदि आपको मैंने बोला था एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू, दिस इम्प्लाइज यदि फंक्शन आपका के स्टिकली इंक्रीजिंग होता है, तो उस केस में मैंने क्या बोला, एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा आपका, यदि एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू दे रखा है एंड फंक्शन आपका क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रखा है, तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू। सिमिलरली ऐसा दे रखा है एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू, वाइस वर्सा वाला रूल दे रखा हो एंड फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्स वन इज लेस देन आपका क्या होगा, एक्स टू। ये रूल आई थिंक मैं चौथी या पांचवी बार बता रहा हूँ, क्लियर हुआ ये रूल? हाँ सर। ठीक है, अब इस रूल पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। हाँ, जेई का क्वेश्चन दे दो। जेई का क्वेश्चन इसने क्या दिया है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स क्यूब, then find all real values of x satisfying the inequality 1 minus fx minus f cube x is greater than f of 1 minus 5x। क्वेश्चन समझ में? वन माइनस एफ एक्स माइनस एफ क्यूब एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ वन माइनस फाइव एक्स। आंसर है
देखो थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत टाइम लगा रहे हो, इतना टाइम नहीं है। इसमें x की जगह क्या रिप्लेस किया है, एफ एक्स। कैसे, वन माइनस एफ एक्स, इसको बोल सकता हूँ माइनस एफ एक्स की होल क्यूब। एफ की होल क्यूब का मतलब एफ एक्स की होल क्यूब। तो ये क्या चीज दे रखी है आपकी, एफ ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ वन माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब उसने क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये चीज भी नहीं दे रखी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है इसका बिहेवियर निकालना पड़ेगा। ये फंक्शन कौन सा है आपका, फंक्शन ये है। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो इसका बिहेवियर निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 माइनस 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ये हमेशा यहाँ पे बोल सकता हूँ माइनस ऑफ 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये हमेशा पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस की वजह से नेगेटिव, मतलब क्लियरली एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0। मतलब फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब आपका यदि एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स वन इज लेस देन आपका क्या होगा, एक्स टू हो जाएगा। तो अब उस बेसिस पे क्या बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे इस कंडीशन से यहाँ पे क्या दे रखा था आपका, एफ ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ वन माइनस फाइव एक्स, और फंक्शन क्या है आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ ये जो इनपुट एक्स वन और ये आपका एक्स टू, तो एक्स वन इज लेस देन आपका एक्स टू हो जाएगा। एक्स वन की वैल्यू आपको पता ही है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है वन माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब लेस देन आपका वन माइनस फाइव एक्स। वन से वन कैंसिल, सबको क्या कर दो राइट साइड में ले जाओ, राइट साइड में ले जाऊंगा तो क्या आपका एक्स क्यूब, और ये आपका क्या होगा इधर प्लस हो जाएगा माइनस फोर एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे क्या करूँ, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एक्स इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। क्या फाइंड करना था आपका, इंटरवल ऑफ इंक्रीज माइनस टू जीरो और वन, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब जो भी फाइंड करना है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज फाइंड करना है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज फाइंड करना है, इंटरवल ऑफ डिक्रीज कर लोगे। अरे हाँ ना तो बोलो, डाउट है लड़की तेरे को? हाँ सर। क्या डाउट है? सर वहां से समझ नहीं आया मुझे, एफ ऑफ एक्स जनरलाइज कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद देखो एफ एक्स का बिहेवियर निकाला, एफ एक्स का एफ डैश एक्स लेस देन जीरो मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में मैंने क्या बोला था, यदि एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू, दिस इंप्लाइज एक्स वन इज लेस देन एक्स टू। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन ये थी, क्या ये कंडीशन लिखवाई थी मैंने, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यस सर, तो उसी से देखो यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स, तो इस चीज को मैं बोल सकता हूँ एक्स वन, और एफ ऑफ एक्स टू ये आपका एक्स टू, f of x1 is greater than f of x2, इसका मतलब x1 is less than x2 होगा। तो x1 क्या दे रखा है आपका fx, और x2 मतलब ये fx की वैल्यू दे रखी है 1 minus x minus x cube, और x2 की वैल्यू दे रखी है 1 minus 5x। आया समझ में अब तो? हम्म, नोट कर लो, j का क्वेश्चन है तो j का क्वेश्चन में तो थोड़े से अच्छे ही होते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करो इसी टाइप का, तो थोड़ा सा आइडिया होगा। आगे बढ़ो। यस सर, ये भी थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करना। क्वेश्चन ऐसा दे दिया है, लेट एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो एंड लेट जी एक्स इज इक्वल्स टू, ऐसा दे दिया आपका फंक्शन जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थ्री माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस नाइन। Then find interval of increase for gx.
आंसर है। चलो टाइम हो गया, मैं करवा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे उल्टा सोचो, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है, इसका मतलब आपका क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा आपका, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या ऐसा मैंने लॉजिक बताया था, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या ऐसा कुछ मैंने बताया था? अरे हाँ ना, तो भूल जाओ। यस सर। तो इसी वजह से मैं बोलूँ, यदि एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इसका एक इंटीग्रल, मैं बोल सकता हूँ एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यस सर। अब देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल देते हो तो मेरे को कहना है जी डैश का इंटरवल ऑफ इंक्रीज निकालना है, तो मैंने क्या बोल दिया, जी डैश एक्स निकाल दिया। जी डैश एक्स का मतलब क्या होगा, सबसे पहले एफ डैश 3 माइनस एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 प्लस एफ डैश एक्स माइनस 9 इंटू 1 माइनस 0। अब मुझे क्या करना है, जी एक्स का इंटरवल ऑफ इंक्रीज मतलब जी डैश एक्स की वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन जीरो। जी डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एफ डैश 3 माइनस एक्स इंटू माइनस माइनस प्लस एफ डैश एक्स माइनस 9 दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसको आगे ले जाता हूँ तो बोल सकता हूँ एफ डैश एक्स माइनस 9 दैट शुड बी ग्रेटर देन एफ डैश 3 माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में है? यस सर। अब आपको क्या दे रखा है, आपका एफ डैश एक्स क्या दे रखा है, आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब यदि एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू दे रखा होता है, इसका मतलब आपका क्या होगा, एक्स वन इज लेस देन एक्स टू होता है, तो ये डिक्रीजिंग है, इसका मतलब ये x1 है और ये आपका x2, तो मैं बोल सकता हूँ x1 x माइनस 9 इज लेस देन 3 माइनस x। तो इधर ले जाओ तो 2x इज लेस देन आपका क्या होगा 12, मतलब x लेस देन आपका क्या होगा 6, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 6, ये क्या होगा आपका इंटरवल ऑफ इंक्रीज। आया बात समझ में? सर तो जो जो डबल डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है वही सिंगल डिफरेंशिएशन का भी होगा, मतलब उससे ऊपर वाले डेरिवेटिव। देखो ना, डबल डेरिवेटिव का फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा, आपका इंटीग्रल ही होगा, मतलब उल्टा सोचो, उल्टा सोच रहा हूँ मैंने यहाँ पे। लॉजिक क्या होता है कि एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो उसका फर्स्ट और डेरिवेटिव आपका क्या है, लेस देन जीरो, तो इसका जस्ट उल्टा सोचा है, यहाँ पे उल्टा दे रखा है लॉजिक, लॉजिक का जस्ट उल्टा, क्योंकि एफ डैश एक्स आ रहा है तो मुझे लॉजिक का उल्टा सोचना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है कंसेप्ट? नहीं, डाउट है अभी भी? हाँ, क्या डाउट सर? ये मतलब स्पेसिफिकली जैसे एफ डबल डैश एक्स, उसको जनरल केस की तरह मत करो, उसको देखो सिंपल एक केस की तरह करो। मैंने क्या बोला था, एक सेकंड, ये हैंग को से हो गया। अरे यार ये वाइट एक सेकेंड ये वाइट बोर्ड डेल्ट बोर्ड अब देखो उस केस में मैंने क्या बोला था, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है, इसका मतलब क्या, इसका फर्स्ट इंटीग्रल एफ एक्स क्या होता है आपका, इज डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये वाइस वर्सा था। क्योंकि रूल क्या था, इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन देन इसका मतलब दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो गया, एंड वाइस वर्सा बोला था, वाइस वर्सा बोला था मतलब उल्टा भी होगा, मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो मतलब एफ एक्स आपका क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं बोलूँ कोई एफ एक्स की जगह मैंने बोल दिया जी डैश एक्स लेस देन जीरो, तो मैं बोल सकता हूँ आपका जी एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग। तो मैं फर्दर डेरिवेटिव करूँ, मैं जी डबल डैश एक्स लेस देन जीरो तो उसका एक इंटीग्रल, देखो जी एक्स और जी डैश में क्या रिलेशन है, उसका एक इंटीग्रेशन है, तो उसका एक इंटीग्रेशन मतलब उससे ऊपर वाला जी डैश एक्स क्या होगा आपका, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आया समझ में? ठीक है। यहाँ पे ये लॉजिक लगा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के हिसाब से, वहां पे आंसर आया था। ठीक है ठीक है।
ठीक है, नोट हो गया, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछ सकते हैं, टाइम भी हो गया, चलो एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, मैं करवा देता हूँ, चैप्टर खत्म हो गया वैसे। क्लियर है, नोट कर लिया सबने? चलो एक होमवर्क है, तुम ट्राई करके आना, कौन बड़ा है, ई की पावर पाई और पाई की पावर ई, इन दोनों में से कौन बड़ा है, ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा या इक्वल आएगा या क्या होगा, रिलेशन निकाल देना। इसका एक लास्ट पॉइंट और है, कई बार कई ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, विद इन सेकंड में आपका आंसर आ सकता है लेकिन गलत कर सकते हो। फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज फॉर एफ एक्स वेयर ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ डैस एक्स इज गिवन एस। तो ग्राफ ऐसा दे रखा है आपका, यहां से यहां तक का ऐसा ग्राफ आ रहा है, फिर इधर आपका ऐसा जा रहा है, फिर आपका क्या इधर आपका क्या ऐसा जाके ऐसा जा रहा है, ये पॉइंट मैं बोल देता आपका माइनस टू जीरो, ये पॉइंट बोल दिया वन, ये आपका क्या है थ्री और ये आपका क्या है फाइव। तो इसमें इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज, जल्दी से बताओ फटाफट से वर्बली बोलो। सर माइनस इनफिनिटी से माइनस टू तक पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन जीरो एफ डैश ऑफ एक्स, तो उस केस में इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, समझ गया, मतलब लॉजिक समझ गया, जो ट्रिक थी। जनरली क्या करते हैं बच्चे, देखो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब इस केस में आपका डिक्रीजिंग है, यहाँ पे आपका क्या होगा इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है और यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से आपका इंक्रीजिंग है, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आंसर कब होता है जब एफ एक्स का ग्राफ गिवन होता है, यहाँ पे क्या दे रखा है एफ डैश एक्स का दे रखा है, तो आपको जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग उसमें सिर्फ साइन ऑफ एफ डैश एक्स से मतलब है, तो जहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो वहाँ पे इंटरवल ऑफ इंक्रीज, और जहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो इंटरवल ऑफ डिक्रीज। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इस पूरे इंटरवल में साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या है आपका लेस देन जीरो, तो मतलब ये पूरा क्या होगा आपका इंटरवल ऑफ डिक्रीज, ये आपका इंटरवल ऑफ इंक्रीज और ये आपका इंटरवल ऑफ इंक्रीज। आई होप समझ में आया होगा क्या मैं समझाना चाह रहा था लॉजिक। यस सर। ठीक है, एक लास्ट कंसेप्ट और है, छोटा सा नोट है, नॉट इन एओडी, एओडी का मतलब आपका क्या है मोनोटोनोसिटी या फिर मैक्सिमा मिनिमा, ट्राई टू अवॉइड सब्स्टिट्यूशन। Until required. जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन के बिना काम नहीं चल रहा है, तब तक आपको सब्स्टिट्यूशन को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में गलती हो सकती है। सब्स्टिट्यूशन में क्या गलती हो सकती है, इन केस यदि आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो उस केस में आपका आंसर सही आया, लेकिन गलती से यदि आपने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो पूरा आंसर क्या होगा आपका उल्टा आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपका, फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज फॉर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू टू कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चे क्या देखते हैं, कॉट इनवर्स एक्स दो बार देख लिए तो देख के खुश हो जाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या जाएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका टू टी माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आपका एफ एक्स नहीं है, आपका एफ कोई भी फंक्शन एफ टी मैं बोल देता हूँ इसको, तो फिर एफ डैश टी बोलेंगे, एफ डैश टी का मतलब आपका क्या है टू माइनस टू टी हो जाएगा, तो उससे साइन करेंगे, तो इससे जो भी आंसर आएगा आपका आंसर रॉन्ग आएगा। रॉन्ग आने का रीजन क्या है, जो टी है ये वाई इजिकल्स टू टी आपका ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन है, जबकि कोट इनवर्स का ग्राफ मैंने ऑलरेडी बताया था आपका कुछ ऐसा सा ग्राफ होता है, याद है आपको ग्राफ मैंने बताया था,
तो cot इनवर्स x क्या होता है आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये cot इनवर्स खुद डिक्रीजिंग है और t आपका क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, इसको डायरेक्टली सोल्व करोगे, क्या करोगे f डैश x निकालोगे, तो 2 cot इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होगा आपका, माइनस ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस cot इनवर्स की पावर है, तो 2 into cot इनवर्स ऑफ x की पावर 1 into cot इनवर्स का होगा माइनस ऑफ 1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस 2 cot इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो बोल सकता हूँ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 cot इनवर्स x, ये आपका क्या होगा आपका f डैश x हो गया। अब मैं क्या करता हूँ f डैश x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये बोल सकता हूँ 2 कॉमन ले लिया, तो cot इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब मेरे को पता है कि ये जो डिनोमिनेटर में हमेशा पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी में एक रूल पढ़ा था, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है तो ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं, तो 2 को तो वैसे भेज दूंगा, तो cot इनवर्स x माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो मैं बोल सकता हूँ cot इनवर्स x दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। अब पूरा सही करने के बाद भी गलती कर देते, क्या करते हैं बच्चे, x शुड बी ग्रेटर देन आपका cot 1, लेकिन ये यहाँ पे भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, याद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने एक रूल बताया था, क्या रूल था शुभांगी, जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनइक्वालिटी में, तो उस केस में क्या होता है आपका साइन रिवर्स हो जाता है, तो उस केस में क्या जाएगा cot इनवर्स x क्या है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या जाएगा x लेस देन आपका क्या cot 1 हो जाएगा, तो x belongs to minus infinity से लेके cot 1, ये उसका final answer, इस केस में interval of increase होगा। और ये question generally मान के चलो 80-90% student गलत करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले तो यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो वो आपका आंसर डायरेक्टली गलत आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे भी करेंगे तो भी गलत कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। अरे हाँ ना बोल जाओ, ठीक है, नोट हो गया, यस सर, ठीक है, तो इतना ही है मोनोटोनिसिटी में, अभी दो छोटे छोटे चैप्टर और रह गए इसके, एक आपका क्या होगा मैक्सिमम मिनिमा, नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमम मिनिमा हो जाएगा, और उसके आगे छोटे 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 रेट ऑफ चेंज हो गया, कर्व ट्रेसिंग ज़्यादा बताना नहीं है आपको, रेट ऑफ चेंज वगैरह हो गया या छोटे छोटे टॉपिक्स है वो आपका ले लेंगे नेक्स्ट टाइम में, ठीक है, आप एनसीईआरटी में इसका जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला वो पूरा करके आ जाना नेक्स्ट टाइम से पहले, ठीक है, यस सर, चलो मिलते हैं हम लोग वेडनेसडे को, ओके बाय बाय सर, कॉनिक सेक्शन करेंगे ना अभी, कॉनिक सेक्शन सबसे लास्ट में, ओके ओके, एज पर सिलेबस जो अपना रूटीन है ना उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ओके सर, थैंक यू, ठीक, चलो बाय 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 सर।